अदानी विवाद पर गृहमंत्री अमित शाह की दो टूक, बोले बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं, कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला इसलिए टिप्पणी सही नहीं। और संसदीय टिप्पणी के लिए लोकसभा से नोटिस मिलने पर राहुल गांधी बोले, अदानी पे मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, लोग चाहे तो कर सकते हैं गूगल। पुलवामा के शहीदों का देश कर रहा है आज पुलवामा के शहीदों को याद, आज ही के दिन 2019 में आतंकी हमले पर सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की गई जान, हादसे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन, आरोपियों की तलाश में जुटी सर्वेलेंस टीम, जेसीबी चला रहा है जेसीबी चला रहा था ड्राइवर अरेस्ट और लेखपाल निलंबित। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2019 में सितंबर से अक्टूबर तक काटे चलान, लौटाएगी दिल्ली पुलिस, कोर्ट में पुलिस ने मानी गलती, स्पीड पर नियमों की अनदेखी कर चालान काटने का था आरोप। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की बड़ी साजिश नाकाम, महाशिवरात्रि पर हमले की थी तैयारी, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। पप्पू यादव का काफिला देर रात हुआ भीषण हादसे का शिकार, कार के उड़े परखच्चे, मुबारकपुर कांड के पीड़ित परिवार से मिलने सारण जा रहे थे पप्पू यादव। दिल्ली के मेहरौली में आज लगातार पांचवें दिन बुलडोजर का एक्शन, आम आदमी पार्टी ने की एलजी से एक्शन की शिकायत। गुवाहाटी में एक्स सर्विसमैन जॉब सेमिनार में हाथी के आने से मची अफरा तफरी, हाथी के जाने के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। जीआईएस से निवेश जुटाने के मामले में गोरखपुर ओवरऑल चौथे पायदान पर रहा, गोरखपुर में 1.71 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। मुरादाबाद की एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने छजलैट मामले में आजम खान और अब्दुल आजम को सुनाई 2 साल की सजा, अन्य 7 लोगों को किया बरी। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा यहां आने से मिलती है सकारात्मक ऊर्जा। पुणे के छिंदवाड़ा में आयोजित महाविकास अघाड़ी की रैली में आदित्य ठाकरे और अजीत पवार ने शिरकत की, अजीत पवार ने जनसभा को संबोधित किया। राजस्थान में पुलिस विभाग में हुआ बड़ा फेरबदल, 75 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। कठुआ में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ने पदयात्रा पर चलाया जनसंपर्क अभियान, कहा लोगों की आवाज उठाना हमारा लक्ष्य। लखनऊ में G20 सम्मेलन का आकर्षण बढ़ाने के लिए फरवाही लोक नृत्य का करवाया गया आयोजन, कलाकारों में ने शानदार प्रस्तुति पेश की। भुवनेश्वर में इसरो ने 3 दिवसीय स्पेस ऑन व्हीकल प्रदर्शनी का आयोजन किया, बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान की मिल रही जानकारी। भुवनेश्वर में 9वें इंटरनेशनल रेडियो मेले में पुराने रेडियो की लगी प्रदर्शनी, देख लोगों की ताजा हुई यादें। सिलीगुड़ी में वाइल्ड लाइफ और प्राकृतिक दृश्यों की पेंटिंग्स की लगी प्रदर्शनी, बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने यहां पहुंचे लोग। धर्मशाला में नॉर्थ ईस्ट से आया छात्रों का प्रतिनिधिमंडल, आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से उन्होंने मुलाकात की है, कहा हमें कुछ काफी नया सीखने को मिला है। भारतीय नौसेना की पहल, नेवी की महिला अफसरों की जीप रैली को आज दिल्ली के इंडिया गेट से लोंगेवाला के लिए रवाना किया गया। 20 फरवरी को 14,200 फीट की ऊंचाई पर फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन, तैयारियां जारी, लद्दाख के पास जमी हुई झील पर 21 किलोमीटर का ट्रैक तैयार, 75 प्रतियोगी हिस्सा लेंगे। तुर्की के हताई प्रांत में रेस्क्यू के दौरान चमत्कार, मलबे में 182 खड्डे से दबे 13 साल के बच्चे को जिंदा निकाला गया, भावुक नजर आए बचावकर्मी। पोलैंड के राष्ट्रपति ने यूक्रेनी सैनिकों के ट्रेनिंग का जायजा लिया, पोलैंड के मिलिट्री बेस पे यूक्रेनी सैनिक लेपर्ड 2 युद्धक टैंक चलाने का प्रशिक्षण ले रहे। न्यूजीलैंड में गैब्रियल तूफान ने दस्तक दी, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, 58,000 से ज्यादा घरों में बिजली गुल, सैकड़ों उड़ानें रद्द, देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा।